नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मध्य प्रदेश के मौसम में ठंड के साथ बारिश और कोहरे का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में शुक्रवार को भी कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने कुछ दिन बाद कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार भी जताए हैं। वहीं अभी 9 दिसंबर तक बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10.2 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया है, तो पंचमणि में 20.8 डिग्री तापमान रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 42 जिलों में 2 दिसंबर तक बारिश होने की संभावना जताई है। इसमें जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम के संभाग के जो जिलों के साथ ही दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, बुरहानपुर, खंडवा जिले में गरज चमक के साथ ही बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, खरगोन, पन्ना, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, झाबुआ, रतलाम, मुरैना, मंदसौर और नीमच में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। वहीं अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रीवा और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया है। यह था अब तक का अपडेट। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।